English speaking, negative interrogative simple present tense. Negative interrogative, हमने क्या क्या किया है अब तक? Simple present tense किया है, negative simple present tense किया है, interrogative simple present tense किया है. आज हम कर रहे हैं negative interrogative simple present tense, जिसमें do orders का use होगा. Obviously सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम डू ऑर्डर्स का यूज करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट जो काम होता है वो होता है क्या देखना, ये चीज देखना कि उसका रूल क्या है. तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल पे. तो इसका रूल क्या है देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है और ती है आता है. प्रेजेंट में है और सिंपल है तो ता है, ते है, ती है आता है. अब देखिए कि ये है नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव है मतलब सेंटेंस में नहीं भी आएगा, और इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मीन्स टू से सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी होगा. यानी हमारे पास जो सेंटेंस होगा, एक तो नहीं होगा सेंटेंस में यानी कि नेगेटिव होगा, एक इंटरोगेटिव होगा मीन्स टू से क्वेश्चन मार्क होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है, ते है, ती है, ठीक है, ये सब आता है. अब देखिए इसको जो हम राइट डाउन करते हैं तो कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले इंटरोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का यूज होगा. ऑब्वियसली अगर इंटरोगेटिव है तो डू डज पहले आ जाएंगे. ये हम इंटरोगेटिव में कर चुके हैं, इंटरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं. डू डज के साथ आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, या कुछ भी, जो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, ये नेगेटिव है यानी कि नॉट आएगा, तो नॉट सब्जेक्ट के साथ आता है. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. तो क्या है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ जाए, व्हाट, Why, where, how, ठीक है, ये सब do does से पहले लगेंगे. पहले WH family का word, फिर do does, subject, then not, verb की first form and then object. इस form में ये इसका rule को show किया जाता है, और ये जो sentence है question mark पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है. अब जैसे कि हम simple present tense में हम do और does करते आ रहे हैं, do और does का use कहाँ होता है, I, you, we, they, मैं, तुम, हम, वे, इन सबके साथ do का यूज होता है. He, she, it, name, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई चीज या कोई जगह या किसी एक पर्सन का नेम, तो वहां पे does का यूज होगा, ठीक है. I, you, we, they के साथ do, he, she, it, name के साथ does. तो देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे. वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमने कुछ सेंटेंसेस देने हैं और उनको कवर अप करना है. रूल्स आप जानते ही हैं, ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनको आज हम अपनी क्लास में करेंगे. देखिए हम अपने वोकैब को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए डेली आज से एक ऐसा वर्ड करेंगे जो कि आपके वर्ड को इम्प्रेसिव बनाएगा, ठीक है. तो आज हम एक वर्ड लेके आए हैं जो आपके वर्ड्स को इम्प्रेसिव बनाएगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाएगा. तो डेली एक ही वर्ड करेंगे, ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में करेंगे कि हमारा कौन सा वर्ड है जिसे हम और डेवलप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को. तो सबसे पहले है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या तुम नहीं खेलते हो. देखिए ये है नेगेटिव, टाइटल के अकॉर्डिंग देखिए, नेगेटिव नहीं आ रहा है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, क्या,
आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है मतलब ते हो, ये भी आ रहा है। सारे रूल सेटिस्फाइड हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या तुम खेलते हो, तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, और यू के साथ क्या लगता है, आई यू वी दे के साथ डू लगता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो डू पहले ही लग जाएगा, इसमें कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं है। तो डू देन सब्जेक्ट डू यू, अब नॉट नेगेटिव है, नॉट खेलते हो, प्ले देन क्वेश्चन मार्क पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। नेक्स्ट, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, हम वी, और हम के साथ क्या लगता है, हम के साथ लगता है वी, यानी हम क्या है वी, और वी के साथ क्या लगता है डू, डू सबसे पहले डू डज क्योंकि इंटरोगेटिव है, डू वी, डू वी नहीं पढ़ते हैं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, डू वी अगेन नेगेटिव है, नहीं नॉट सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा। डू वी नॉट स्टडी, क्या हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, क्या वह कब नहीं सोती है, वह कब नहीं सोती है, नॉर्मली बोलते हैं वो क्या काम नहीं करता है, ठीक है, वह कब नहीं सोती है, कब, when, WH family, when आ रहा है, when, when के साथ, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सोती है, कोई लड़की है शी, और शी के साथ क्या लगेगा, डज, तो when पहले आएगा फिर डू डज आएगा, WH family पहले आती है। when does सब्जेक्ट she not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म sleep, when does she not sleep, वो कब नहीं सोती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तुम और गीता क्या नहीं खेलती हो, ठीक है, तुम और गीता, टू पर्सन है यू एंड गीता, क्या नहीं खेलती हो, तो व्हाट आएगा, क्या नहीं खेलती हो, ठीक है, तुम और गीता, तो व्हाट, अब इसमें डू लगेगा, मैंने कहा गया ही शी नेम के साथ डज लगता है, लेकिन किसी एक नेम के साथ डज लगेगा, यू एंड गीता टू पर्सन हो गए हैं तो डू लगेगा, व्हाट डू यू एंड गीता। अब आगे सब्जेक्ट आ गए हमारे, नॉट प्ले, तुम और गीता क्या नहीं खेलती हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या वो काम नहीं करती है, लड़की है शी, तो शी के साथ डज, इंटरोगेटिव है तो डज पहले आ जाएगा, डज शी नहीं, नॉट सब्जेक्ट के साथ, शी के साथ नॉट, डज शी नॉट डू वर्क, क्या वो काम नहीं करती है, डज शी नॉट डू वर्क, ठीक है। आगे, मेरा भाई क्यों नहीं हंसता है, वाई क्या रहा है, वाई डब्ल्यू एच फैमिली, वाई वाई, और मेरा भाई, वाई मेरा भाई, माय ब्रदर डज आएगा, ठीक है, एक पर्सन, वाई डज माय ब्रदर, सब्जेक्ट माय ब्रदर, नॉट नहीं, नहीं हंसता है, लाफ, वाई डज माय ब्रदर नॉट लाफ, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क, यही है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या वह समान स्वभाव के लोग नहीं लगते हैं, समान स्वभाव के मतलब लाइक पर्सनैलिटी, वो दो पर्सन जिनका नेचर एक जैसा हो, कॉमन पर्सनैलिटी, लाइक पर्सनैलिटी बोल सकते हो, कॉमन पर्सनैलिटी बोल सकते हो, तो क्या वह समान स्वभाव के लोग नहीं लगते हैं, तो क्या आएगा, डज दे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी डू दे, यहाँ पे क्या आएगा, डू दे नॉट लुक, दे के साथ क्या लगेगा, डू, डू दे नॉट, डू फिर सब्जेक्ट दे फिर नॉट लुक लाइक पर्सनैलिटी पीपल्स, लाइक पर्सनैलिटी पीपल्स एक जैसी पर्सनैलिटी के लोग, लेकिन हमारे पास क्या है,
क्या वह समान स्वभाव के लोग नहीं लगते हैं? Does they not look like personality peoples? ठीक है, अब हमने क्या किया है, समान स्वभाव के लोग, हमने उन्हें कहा है कि like personality peoples, या फिर कह सकते हैं common personality peoples, लेकिन इसका एक और वर्ड होता है, birds of a feather. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, do they not look birds of a feather? ठीक है, do they not look birds of a feather? क्या है ये, समान स्वभाव के लोग, जो वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी एक जैसी होती है, तो उनको हम लाइक पर्सनैलिटी पीपल बोलते हैं, लेकिन उन्हें हम बर्ड्स ऑफ ए फेदर भी बोल सकते हैं. और क्या वे समान स्वभाव के लोग नहीं लगते हैं? डू दे नॉट लुक बर्ड्स ऑफ ए फेदर, डू दे नॉट लुक लाइक पर्सनैलिटी पीपल, या फिर डू दे नॉट लुक कॉमन पर्सनैलिटी पीपल, कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो ये है हमारा आज का जो हमारा वर्ड था, कॉमन पर्सनैलिटी पीपल, बर्ड, जो इसको आप लिख सकते हो बर्ड्स ऑफ ए फेदर. ये है हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you.